यीशु मसीह ने जो लोग कहते हैं कि क्रूस पर उसने व्यवस्था खत्म कर दी, कि प्रभु का दिन जो है वो सातवां दिन है और सातवां दिन जो है वो व्यवस्था पर आधारित है। मान लीजिए हमें पाप बलि के लिए एक बकरा या एक बैल चढ़ाना होता तो क्या चढ़ा सकता था एक गरीब इंसान? प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। प्रकाशित वाक्य का जो दूसरा खंड है या भाग कहते हैं, सात कलीसियाओं के नाम पत्र, उसके अंतर्गत हम लोग सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन को और हम सीख रहे हैं प्रकाशित वाक्य एक अध्याय उसके 10 पद। उसके 10 पद को हम पहले पढ़ लेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा कि पिछले संदेशों में कि हम प्रभु के दिन के बारे में सीख रहे हैं कि प्रभु का दिन कौन सा है, और पिछले संदेश में हमने सीखा था कि प्रभु का दिन कौन सा है। हमने जाना था कि प्रभु का दिन जो है वो सातवां दिन है, इसका पहला भाग सीखा था। देखिए, प्रभु के दिन के 7 भाग हम लोगों ने बताए थे, उन 7 भाग को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान करिएगा। प्रभु का दिन कौन सा है, दूसरा है क्या व्यवस्था खत्म हो गई, तीसरा है व्यवस्था कितनी है, चौथा है परमेश्वर की व्यवस्था कौन सी है, पांचवा है 10 आज्ञाओं की विशेषता, छठा है 2 आज्ञाएं परमेश्वर की व्यवस्था का आधार है, और 7वां है 4थी आज्ञा की विशेषता, और 8वां इसका जो भाग है जो अलग है इससे, आत्मा में आ गया। तो आज हम सीखेंगे क्या व्यवस्था खत्म हो गई, यानी इसका दूसरा भाग जो है, क्योंकि ये बात इसलिए हम लोग सीख रहे हैं कि जब परमेश्वर के दिन की बात आती है, जब प्रभु के दिन की बात आती है, तो अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि प्रभु का दिन जो है वो सातवां दिन है और सातवां दिन जो है वो व्यवस्था पर आधारित है, और जो चीज व्यवस्था पर आधारित है वो व्यवस्था खत्म हो चुकी है और उसको प्रभु यीशु मसीह ने आकर उस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। तो इसके बारे में हम सीखेंगे कि क्या व्यवस्था खत्म हो गई है, ये आज हमारा दूसरा भाग है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि व्यवस्था है क्या, व्यवस्था का अर्थ क्या है। देखिए, अक्सर हम लोग व्यवस्था 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 करते हैं, इंग्लिश जो पढ़ने वाले लोग हैं वो भी व्यवस्था व्यवस्था की बात करते हैं। बात है, देखिए, व्यवस्था जो है इंग्लिश में उसको लॉ कहा गया है। लॉ का मतलब क्या होता है, कानून, यानी कानून जो है। देखिए, हर एक देश का, हर एक संसार में कोई भी देश हो और हर एक देश में जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी शहर हैं, जितने भी गांव हैं, जितनी भी राजधानियां हैं, हर एक का अपना अपना एक कानून है। आप चाहे रोड पे जा रहे हो तो रोड का अलग कानून है, आप अगर बस में जा रहे हो तो बस का अलग कानून है, आप अगर ट्रेन में जा रहे हो तो ट्रेन का अलग कानून है, अगर आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हो तो हवाई जहाज का अलग कानून, यानी अलग अलग ये व्यवस्थाएं हैं जो निर्धारित की गई हैं और उनके नियम जो उसके अंदर जो कानून में दिए गए हैं, जो व्यवस्था में नियम दिए गए हैं, उन नियमों को आप फॉलो करेंगे। ये बहुत से मेरे भाई बहन कहते हैं कि साहब ये तो अनुग्रह का युग है। बिल्कुल सही बात है, ये अनुग्रह का युग है, मैं आपकी इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अनुग्रह की युग में व्यवस्था नहीं है या कानून नहीं है। कानून और नियम है। आप क्या, अगर हम बात करते हैं, आप चोरी कर सकते हैं अनुग्रह के युग में? नहीं। तो इसका मतलब कानून है, अगर आपने चोरी करी या आपने व्यभिचार किया या आपने बुराई करी या आपने गाली गलौज करी, तो अनुग्रह के युग में यह नहीं है कि आप पे अनुग्रह होता रहेगा, आप कितने भी बुरे काम करते रहो, नहीं, उसका दंड तो मिलेगा ना, कानून तो मिलेगा ना। तो अगर ये अनुग्रह का युग है और हम कुछ भी कर सकते, तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम कहते हैं कि वो आने वाला है और जब वो आएगा तो हम सबका न्याय करेगा, तो इसका मतलब न्याय का होना निश्चित है ही नहीं। और जब न्याय का होना निश्चित नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह क्यों आ रहा है? इसका मतलब चाहे अनुग्रह का युग हो, चाहे कोई सा भी युग हो, चाहे पवित्र आत्मा का युग हो, किसी भी तरीके का युग क्यों ना हो, हर एक युग में परमेश्वर के ने अपने कानून अपने नियमों को वैसे ही बना के रखा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस चीज को जब आप समझ लेंगे तो आप ये समझेंगे कि सही माने में व्यवस्था जो है वो क्या है, यानी कानून जो है वो क्या है। जब हम व्यवस्था की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं,
ठीक है कि साहब वो खत्म हो गई, सारी चीजें हो गई हैं, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि पौलुस क्या कहता है व्यवस्था के बारे में। जी हाँ, जरा आप मेरे साथ निकाल सकते हैं रोमियो 7 अध्याय उसका 12वां पद है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, रोमियो 7 अध्याय उसका 12वां पद। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। अब यहां पर पौलुस क्या कह रहा है कि इसलिए व्यवस्था क्या है, पवित्र है। अब वो व्यवस्था को पवित्र बता रहा है, अर्थात कानून को, लॉ को जो है वो पवित्र बता रहा है। कानून जो है परमेश्वर का कानून, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की विधियां क्या है, ये पवित्र है। इनको हम अपवित्र नहीं कह सकते हैं, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जिस चीज को परमेश्वर ने पवित्र किया, अपने लिए पवित्र कर रहा है, कुछ चीजें मनुष्यों के लिए पवित्र की हैं और कुछ चीजें परमेश्वर ने अपने लिए पवित्र करी। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें परमेश्वर ने पवित्र किया किसके लिए, अपने लिए। और हमारे लिए जो चीज पवित्र की गई है वो हमारे लिए है, जैसे व्यवस्था या और भी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे लिए है, परमेश्वर का वचन कहता है। और दूसरा पद मैं यहां पढ़ना चाहूंगा, पौलुस क्या कहता है, रोमियो 7 अध्याय उसका 14वां पद है। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। अब वहां देखिए, वहां क्या कह रहा है, आपने इसी का 12वां पद पढ़ा, वहां लिखा है कि व्यवस्था पवित्र है, और यहां पौलुस क्या कह रहा है कि व्यवस्था आत्मिक है। तो व्यवस्था आत्मिक, और एक बात और जोड़ता है कि मैं पाप के हाथ बिका हुआ। पाप के हाथ बिका होने का मतलब क्या है कि व्यवस्था जो है हमारी शिक्षक है। किस चीज की शिक्षक है, कि अच्छे और बुरे के ज्ञान को देने में, कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, चोरी क्या है। व्यवस्था अगर नहीं सिखाती कि चोरी करना पाप है तो हमें नहीं पता होता, परंतु व्यवस्था ने हमें सिखाया कि चोरी करना क्या है, पाप है। तो ये जो व्यवस्था, ये जो कानून परमेश्वर ने बनाया है, ये हमें समझना है कि ये कोई ऐसा ही नहीं है कि हम कुछ भी कह दें इसके लिए या कुछ भी। हमें सीखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। अब यहां है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या व्यवस्था पूरी कर दी। अब प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था पूरी कर दी या खत्म कर दी, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने जो व्यवस्था पूरी करी, जो नियम परमेश्वर ने दिए थे, जो कानून परमेश्वर ने बनाए थे, उनको उसने इस पृथ्वी पर रहकर अपने जीवन में पूरे किए हैं। पूरे करने का मतलब ये नहीं होता कि खत्म कर दिए हैं। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग जो है कहां से इस चीज का इशू बनाते हैं। योन्ना 19 अध्याय उसका 30 पद है, ध्यान दीजिएगा, योन्ना 19 अध्याय उसका 30 पद। जब यीशु ने सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। अब यीशु मसीह ने क्या करा कि सिरका लिया और क्या कहा कि पूरा हुआ। पूरा होने का मतलब क्या है यहां पर, यानी प्रभु यीशु मसीह के बारे में जितनी बातें परमेश्वर के वचन में लिखी गई थी या जितनी भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई थी, वो सारी जब भविष्यवाणियां पूरी हो गई, वो सारा वचन जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो लिखा गया था पूरा हो गया, तब यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ। पूरा हुआ उसके बारे में जो कुछ लिखा गया था, उसके बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी, उसके बारे में कि वो कैसे इस दुनिया में आएगा, किस तरीके से पाप को खत्म करेगा, कैसे उसकी मौत होगी, कैसे वो मारा जाएगा, कैसे वो गाड़ा जाएगा, कैसे वो तीसरे दिन जी उठेगा, ये सारी बातें जब उसने देखा पूरी हो गई, तब उसने कहा पूरा हुआ। अब हमें क्या करना है, हमें उन कामों को, उन चीजों को जो हमें दिया गया है उसको पूरा करना है। हम देखेंगे इसको, बहुत सी बातें हैं जो हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आइए हम सीखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के बारे में क्या बात करता है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती 5 अध्याय और उसका 17 और 18वां पद है। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस पद को, मत्ती 5 अध्याय उसका 17वां और 18वां पद। पहले मैं 17 पद पढ़ रहा हूं। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं, नंबर एक बात। दूसरी बात यहां पर है, 18वां पद है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। अब यहां प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, देखिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं आया हूं, बल्कि उनको अपने जीवन में पूरा करने आया हूं, कि जो कुछ भी परमेश्वर ने ठहराया है इस पृथ्वी के लोगों के लिए नियम ठहराए हैं, और वो मनुष्य बन के आया है, तो मनुष्य होने के नाते उन नियमों का पालन करना उसका भी कर्तव्य था, क्योंकि वो मनुष्य बन के आया। हम इस पृथ्वी पर रह रहे हैं तो हमारा भी यही कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के नियमों का पालन करें,
और परमेश्वर के नियमों को पूरा करें, परमेश्वर के कानून का पालन करें, परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करें। प्रभु यीशु मसीह यही सिखाना चाह रहा है। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने तो पूरा किया है, अब तुम्हारी बारी है उसको पूरा करने की। जी हाँ, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या व्यवस्था भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं आया हूं, मतलब लोप करने का मतलब खत्म करना, खत्म करना नहीं आया। देखिए बिल्कुल क्लियर यहां पर लिखा है कि वो कह रहा है कि मैं पूरा करने आया हूं, उसको खत्म करने नहीं आया हूं। बिल्कुल लोप करने का मतलब खत्म होना होता है, लोप करने नहीं आया है। अब यहां पर इससे पहले कि मैं इन पदों को और आगे ले जाऊं, पहले हम ये सीख लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने, जो लोग कहते हैं कि क्रूस पर उसने व्यवस्था खत्म कर दी, देखते हैं कि उसने क्रूस पर खत्म क्या किया है, पहले ये जान लें, उसके बाद फिर इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। यहां लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कुलुसियों 2 अध्याय उसका 14वां पद, ध्यान दीजिएगा, कुलुसियों 2 अध्याय उसके 14वें पद में, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। ध्यान दीजिएगा, कौन सा लेख, विधियों का वो लेख। अब इसको दिमाग में रखिएगा कि कुलुसियों 2:14 में ये लिखा। अब हम पढ़ेंगे इफिसियों 2:15, इसको भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में सीखेंगे। इफिसियों 2:15 में लिखा है, और अपने शरीर से बैर अर्थात वे व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। अब यहां पर क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने क्या करा, उसने विधियों का वो लेख जो था, उसने विधियों का वो लेख खत्म करा है। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, विधियां कौन सी थी। अब विधियां कितनी है आपको पता, विधियां क्या होना चाहिए, जो पुराने नियम को जब आप लेव व्यवस्था को पढ़ेंगे 1 अध्याय से लेकर 8 अध्याय तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर कई प्रकार की विधियां, वैसे और भी पढ़ेंगे तो और भी विधियां हैं, मगर मैं कॉमन विधियों की बात कर रहा हूं। जो लेव व्यवस्था 1 अध्याय से लेकर 8 अध्याय तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां जो है कई प्रकार की विधियां हैं। अब वो कई प्रकार की विधियां कौन सी है मैं आपको बता देना चाहता हूं, होम बलि की विधि, अनबलि की विधि, मेल बलि की विधि, पाप बलि की विधि, दोष बलि की विधि, और भांति भांति के बलिदानों की विधियां। ये जो विधियां थी ये खत्म हो गई। क्यों खत्म हुई है, अब इसका कारण भी देखिए जानिए कि क्यों खत्म की और क्रूस पर खत्म हुई है। इस बात को ध्यान रखिए कि उसने क्रूस पर जड़कर उस उन विधियों को खत्म कर दिया। क्रूस पर ही क्यों खत्म हुई, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने खत्म क्यों नहीं करी। क्रूस पर इसलिए खत्म हुई क्योंकि जितनी भी विधियां हुआ करती थी उसमें पशु या पक्षियों का बलिदान किया जाता था, उनको बलि किया जाता था, उनको बलिदान चढ़ाया जाता था परमेश्वर के लिए, या उनको बलि किया जाता था। जब प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, जब उसने हमारे पापों को, खास तौर से पाप विधि जो थी, पाप विधि और मेल विधि को जो है प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है। अब ये जो विधियां थी, इस विधि में क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह जब बलिदान हो गया तो उसके बलिदान के बाद आप पशु का बलिदान कर लीजिए व्यर्थ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद फिर किसी का बलिदान जो है मायने नहीं रखता, चाहे वो कैसा भी पशु क्यों ना हो और पक्षी भी क्यों ना हो। हर एक पशी, हर एक पक्षी और हर एक पशु क्या है, वो व्यर्थ ठहराया गया यीशु मसीह के बलिदान के बाद। ये विधियां खत्म हो गई क्यों, क्योंकि इन विधियों में क्या थे, बलिदान हुआ करते थे, और बहुत से नियम और बहुत से कानून जो व्यवस्था में थे वो खत्म नहीं हुए। अभी जब आगे हम देखेंगे कि व्यवस्था कितने प्रकार की है तब हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने कौन कौन सी व्यवस्थाओं को खत्म किया है, मगर यहां पर हमें ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो पूरी व्यवस्था को खत्म नहीं करा है, विधियां खत्म हुई हैं, और ये विधियां जो हमारे विरोध में थी कि साहब आज की तारीख में अगर मान लीजिए हमें पाप बलि के लिए एक बकरा या एक बैल चढ़ाना होता तो क्या चढ़ा सकता था एक गरीब इंसान, क्या एक गरीब इंसान एक बैल खरीद सकता था, बैल की तो बात छोड़ दीजिए, एक बकरा खरीदना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। अब सोचिए एक बकरे का बच्चा खरीदना उसके लिए, बकरी का बच्चा खरीदना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता, कहां से लाता वो, कैसे खरीदता वो, किस तरीके से वो बलिदान करता है। इसका मतलब क्या होता कि जो बेचारे गरीब थे उनका तो उद्धार ही नहीं होता, उनके तो पाप क्षमा ही नहीं होते, उनके तो पाप धुलते नहीं क्योंकि वो बलिदान करते ही नहीं। क्यों नहीं बलिदान करते, उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता। आज बहुत से हमारे ऐसे भाई बहन हैं जिनके पास मुश्किल से खाना नसीब होता है उनको,
बहुत मुश्किल से, कर्ज और बोझ से दबे हुए हैं, बहुत सी परेशानियों से दबे हुए हैं, ये सारी चीजें यीशु मसीह के जहन में थी, यानी दिमाग में थी, उसकी सोच में थी। और इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए भेजा ताकि आगे जाकर जो है ये सारे कार्य जो है इजी हो जाएं। ये परमेश्वर को बहुत सरल तरीके से परमेश्वर के को मानने लगे, परमेश्वर के को निभाने लगे। और वो सरल तरीका क्या था? सिर्फ आज्ञाओं को मानना। अब आज्ञाओं को मानने का मतलब ये नहीं था कि आप किसी भी प्रकार का बलिदान चढ़ाएं, ये किसी भी प्रकार से आपको उस बलिदान को चढ़ाने में कष्ट हो, आपको नियम या आज्ञाओं को मानने में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, यहां पर उन विधियों को क्या करा, खत्म कर दिया। और यही बात है कि यीशु मसीह क्या कहता है, मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं आया हूं बल्कि पूरा करने आया हूं। और एक बात यहां पर और लिखी है 18वें पद को, जब आप पढ़ेंगे मती 5 का 18वां पद, कि जब तक व्यवस्था से एक एक मात्रा, एक एक बिंदु पूरा नहीं हो जाएगा तब तक आकाश पृथ्वी नहीं टलेगा। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मुझे बताइए क्या आकाश पृथ्वी टल गया? आकाश पृथ्वी जो है वो लोप हो गया? ये पुराना आकाश, ये पुरानी पृथ्वी जो है तब तक नहीं टलेगी जब तक व्यवस्था से एक एक मात्रा या एक एक बिंदु पूरा नहीं हो जाएगा। अगर आकाश पृथ्वी आप लोगों के लिए टल गया तो व्यवस्था भी खत्म हो गई, पूरी हो गई है, यानी सारी मात्राएं पूरी हो गई हैं, सारे बिंदु पूरे हो गए हैं, व्यवस्था के सब कुछ खत्म हो गया। भाई सीधी सी बात है, आप परमेश्वर के वचन को तो समझे ना, उसको तो समझने की कोशिश करें कि प्रभु कह क्या रहा है। और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा है 18वें पद में कि जब तक आकाश और पृथ्वी तब तक नहीं टलेगा जब तक व्यवस्था से एक एक बिंदु, एक एक मात्रा पूरी नहीं हो जाएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, व्यवस्था खत्म नहीं हुई है। आगे के संदेशों में हम सीखेंगे, जब आगे संदेश आएंगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, व्यवस्था कितनी थी और कौन सी व्यवस्थाएं खत्म हो गई हैं ये सीखेंगे। और जो व्यवस्थाएं खत्म हो गई हैं उनको मानने की जरूरत नहीं है, परंतु जो खत्म नहीं हुई हैं उन्हें मानने की जरूरत है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस संदेश में बने रहिए। और आज आपने सीखा कि क्या चीज खत्म हुई, व्यवस्था खत्म नहीं हुई है, विधियां खत्म हुई हैं, वो विधियां जिनमें बलिदान हुआ करते थे वो चीजें खत्म हुई हैं। यीशु मसीह के बलिदान के बाद सारे बलिदान खत्म, क्योंकि क्रूस पर बलिदान क्या था, क्रूस पर हुआ है हमारे लिए बलिदान। और वो बलिदान सबसे अहम, सबसे पवित्र, सबसे उत्तम और सबसे उच्च बलिदान था जो परमेश्वर की ओर से हमारे और आपके लिए किया गया, और उसके लहू के द्वारा हम और आप शुद्ध और पवित्र हो गए हैं। अब जो है उन बलिदानों की, अब किसी भी बलिदान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह सर्वोच्च बलिदान जो हमारे लिए किया गया है वो सर्वोच्च बलिदान है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, आमीन।